गोली किसे चलाई? मैंने। क्यों? अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता। वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है। और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ। लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती? जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले। अब क्या किया जाए? किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके। हाँ चलो। दर्द मरने का नहीं, तुमसे बिछड़ने का हो रहा। मैं हजारों रातें इसी रात का इंतजार किया, हमारी सुहाग की रात, लेकिन जालिमों ने हमारी मिलन की रात को मिला की रात बना डाला। रात ये ऐसी रात जिसका कोई सवेरा नहीं। एक एक से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का। फजूल थ्योरी के हिसाब से नागिन बदला लेगी तो मुझसे लेगी, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? किरण, तुम अपने आप को हमसे अलग क्यों समझते हो? ओफो, तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो और जाकर सो जाओ, सुबह बहुत लंबे सफर पे जाना है। गुड नाइट। हाँ बाबूजी, अब आपके सिवा जाऊं भी तो कहाँ? एक जगह और भी है जहाँ मैं तुझे भेज सकता हूँ, वहीं जहाँ तुम्हारे नाक को भेजा था मैंने। बाबूजी, आपकी बख्शी भी जाए आपके कदमों में। आज तक उस नाग ने मुझे अपने मंत्र में जकड़ रखा था, आप ही ने मुझे आजाद किया है। आप अगर आप चाहें ये जान भी ले सकते हैं, मुझे कोई गम नहीं। दुख तो इस चीज का है
कि आपने मुझे समझने में भूल की है। क्या मतलब? निजात की सपेरन हूँ बाबूजी। सांपों को बस में करना हम लोगों का रोजगार है, पर न जाने कैसे उस नाग ने मुझे अपने बस में कर लिया था। बड़ी मुद्दत के बाद मैं आजाद हुई हूँ और आज मैं खुद अपने आप को आपके चरणों में रखने आई थी। आज से आप मेरे मालिक हैं, भगवान है, सब कुछ है। ये बात है, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। क्या हुआ? आपके छूने से बदन में अजीब सी सनसनी हो गई। इतने दिन नाग की बाहों में रही हो ना, शायद इसलिए। डरो नहीं, इंसान नाग से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। सुबह होते ही चली जाना। जी चलो। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं बाबूजी? हम इंसान प्यार भी छुप कर करते हैं। हाँ बाबूजी, कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है, लेकिन तुम ये राज अपने दोस्तों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। क्या ढूंढ रहे हो? पिस्तौल? ये रही, लेकिन मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगी, अपने शहर से मारूंगी। राज, राज तुम कह रहा था कि बड़े लंबे सफर पर जाना है, उसे बुला लो, चले गाड़ी तैयार है। अच्छा बंदा, दरवाजा नहीं खोल रहा है। किरण, आया किरण। नागिन ने अपना बदला ले ही लिया। हाँ राजेश, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। नागिन अभी अभी मेरी छाती पर बैठकर मुझे डसने लगी थी। कहाँ गई वो? ना वो आई थी ना गई है, ये तुम्हारा वहम है। एक कहानी है जो तुम्हारी डर ने बुनी और तुम्हारे दिमाग ने अपना ली। नहीं रीटा, तुम नहीं जानती,
पढ़ते हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर खींच जाती है, जिसे देखकर उसकी नागिन पतला लेकर निकल पड़ती है। वाह वाह, सांप की आंख ना हुई कैमरा हो गया। अरे सांप कैमरा होती है, सांप की आंख कैमरा होती है। ये कौन है माँ? ये कौन हूँ? अजीत आप मेरा हुलिया नहीं देख रहे हो? मैं कौन? अजीत आप मैं सपेरा हूँ, और जब मैं पेरा हुआ था तो जनाब आप समझ लो ये पुंगी मेरे मुंह में थी, और तब से मैंने जो पुंगी बजानी शुरू करी है जनाब, तो उस पुंगी के डंके आप जानते हैं कहाँ तक बज रहे हैं? अमरीका से लेकर अफ्रीका तक, और जनाब नाइजेरिया से लेकर मलेरिया तक, और एशिया से लेकर मलेशिया तक, यानी के एशिया तक मेरे डंके बोल रहे हैं। अब आप समझ लो। तुम बोलते बहुत हो। मैं बोलता बहुत हूँ? अरे साहब मेरा बाप बेचारा इसी गम में मर गया कि मैं बोलता बहुत कम हूँ, इसीलिए मुझे गूंगा भोपाली कहते हैं। हाँ जी। अरे जिस काम के लिए आए हो वो तो करो। अब मैं बीच बजाने लगा हूँ, अब आप समझ लो। अच्छा बच्चों, हमारी बिल्ली और हमीर से म्याओ, ज़बान निकाल दो। चल बच्चों। ये तो वही सांप लगता है। अब वो तो वही सांप है, शक्ल देखो पहचान लो, वही है। अरे माता जी आपका लड़का बहुत किस्मत वाला है, अब आप समझ लो ये तो बहुत खतरनाक जानवर है, इसकी याद यमराज से तेज और रफ्तार मौत से बढ़ के होती है। हाँ। अब तो तुम नहीं कहोगी ना कि ये मेरा वहम था? अरे वहम में तो लंबा सांप कहाँ से बन जाएगा। चलो चलो सांप को पहले घर से बाहर निकालो। आओ। हाँ वो तो मैं निकाल ही दूंगा, बहुत लंबा भैया बहुत लंबा है। अब तो तुम्हारा वहम दूर हो गया ना? अब आप समझ लिए तो सिर्फ बीन का किराया है साहब। 10 और ले लो, आप कम नहीं कहे ना। आप चलिए ना, दोपहर यही हो जाएगी तो भाग जाने का फायदा क्या होगा? अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? जाओ जाओ अंदर जाके बदन पोंछ लो और होटल का गाउन पहन लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। ऑपरेटर आई एस गेट मी 365757 प्लीज। हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ बहुत बुरी तरह बारिश हो रही। राजेश अरे पहुंचे क्यों नहीं? हाँ हाँ हम दोनों रितु और मैं यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए। बेटे तू बोल कहाँ से रहा है? सनी सैन से। बोलते क्यों नहीं? बंद कर दिया। आज तो जीत जाता है, सारी दुनिया के तूफान को अपने बाजों में जकड़ लो। शादी से पहले? लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती है आजकल तारा डूबा हुआ है। आज की रात सारे तारे डूबे हुए हैं। आओ तो फिर